हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्ड ऑफ सिम्बायोट्स के बारे में, नल के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, सैकड़ों साल पहले यानी बिग बैंग के भी पहले जब ब्रह्मांड बना ही नहीं था, तब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तब उस अंधेरे में अंतरिक्ष के बीचों बीच रहता था नल, और अंधेरों से भरा ब्रह्मांड ही उसका राज्य था। उस जगह पे वो अकेला ही राज करता था। पर एक दिन उसे अपनी ओर आती हुई एक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी और कोई नहीं बल्कि गॉड्स की थी, जिनका नाम था सेलेस्टियल्स, और उनका काम था इस अंधेरे से भरे ब्रह्मांड पे नए जीवन की रचना करना, नए यूनिवर्स की रचना करना। नल का साम्राज्य ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अंधेरे को ख़त्म करने के लिए रोशनी ने कदम रख लिया था। तब यह सब देखते हुए नल ने सेलेस्टियल से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, ये मेरा साम्राज्य है और तुम इसे अपने क्रिएशन से ख़त्म नहीं कर सकते। सेलेस्टियल ने कहा कि ये खाली जगह है, और जो जगह खाली है हमारा काम है कि हम उसे भरें, और हम ऐसा ही करेंगे। तब इस बात पे नल कहता है कि ये जगह खाली नहीं है, ये जगह परछाई की है, और मेरे साथ मेरी परछाई भी यहाँ रहती है, और मेरी परछाई कोई मुर्दा चीज़ नहीं है, वो जिंदा है, और वो मेरे साथ चलती है, मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ रहती है, मेरे साथ सांस लेती है। लेकिन सेलेस्टियल नहीं मानते हैं। तब नल बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी परछाई के अंदर हाथ डालकर एक तलवार निकालता है। जो तलवार बनी थी उसकी जिंदा परछाई से, वो एक सिम्बायोट थी, उसी तलवार से वो एक सेलेस्टियल का सिर काट देता है। ये देखकर बाकी सेलेस्टियल तुरंत वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। उसी कटे हुए सिर को नल ने अपना घर बना लिया, और वहाँ एक भट्टी जलाई, और एक हथौड़े से पीट पीट कर उसने अपने तलवार को बेहतर बनाना शुरू किया, जिसे कहा जाता है नेक्रोस्वॉर्ड। काफ़ी दिन बीतते गए। नल अपने स्वॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए उसे पीटता गया और भट्टी में झोंकता गया, इसलिए उसकी परछाई यानी सिम्बायोट आग से और पीटे जाने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए जितने भी सिम्बायोट्स हैं, वेनम है, कार्नेज हैं, और जितने भी सिम्बायोट्स हैं, ये सभी इसलिए आग और आवाज़ से डरते हैं। अपने तलवार को बेहतर बनाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस तलवार से सारे गॉड्स को मार डालेगा और सब कुछ ख़त्म करेगा जो गॉड्स ने बनाया है। फिर वो अपने नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से एक एक करके गॉड को मारता गया, इसलिए लोग उसके तलवार को अलग अलग नाम से बुलाने लगे, जैसे गॉड स्लेयर, गॉड किलर, ऑल ब्लैक और नेक्रोस्वॉर्ड नाम भी उसी टाइम पड़ा। वो एक के बाद एक सभी गॉड्स को मारता चला गया, जब तक कि उसका सामना नहीं हुआ गॉड ऑफ लाइट से। ये दोनों लड़ते लड़ते एक ऐसे प्लेनेट पे जा गिरे थे जहाँ पे ना खाना था ना पानी था, प्लेनेट पे अकाल पड़ा था। लेकिन वहाँ के लोग गॉड्स पे श्रद्धा रखना नहीं छोड़ते थे। उनका यही मानना था कि भगवान सबकी सुनता है, सिवाय एक इंसान के, जो था गॉड द गॉड बचर। तो वही गॉड बचर जिसे मारने के लिए 3 timelines के थॉर को एक साथ आना पड़ा था, जिसका नाम निक फ्यूरी के मुँह से सुनने के बाद थॉर अनवर्दी हो गया था। और ये वही गौर है जो हमें थॉर लव एंड थंडर के मूवी में आगे दिखने वाला है। गौर एक ऐसा करेक्टर था जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। उसकी माँ को जंगली जानवर खा गए थे, वाइफ और बेटे भूकंप में मर गए थे, और वहाँ के लोगों ने भी उसे अपने कबीले से मारकर बाहर निकाल दिया था। गौर भूख प्यास से मर रहा था। ये सब हुआ था गॉड्स की वजह से, क्योंकि गॉड्स वहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उसने देखा कि ब्लैक और गोल्डन आर्मर पहने दो लोग आपस में लड़ रहे थे। वो दोनों और कोई नहीं, गॉड्स थे। वो दोनों एक दूसरे को अधमरा कर चुके थे। तब गोल्डन कलर का आर्मर पहने गॉड उससे मदद मांगता है, पर वो ये सुन के गुस्सा हो जाता है। बोलता है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम गॉड्स की वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। फिर वो तुरंत नल के बॉडी से उसकी परछाई यानी सिम्बायोट का एक टुकड़ा लेता है, और उससे उसने गोल्डन कलर के गॉड को मार देता है। टुकड़े को यूज़ करके उसके पास भी नल जैसा नेक्रोस्वॉर्ड आ गया, और वो बन गया गॉड द गॉड बचर, जिसको हमने थॉर गॉड बॉम्ब टाइमलाइन में देखा है, जो सारे गॉड्स को मार देता है। और वहीं नल घायल होने की वजह से 100-150 साल तक अकेला रहा और खुद को हील किया। और एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई कि उसकी परछाई दूसरे जीवों के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर वो उन सब को अपने माइंड से कनेक्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और जो चाहे करा सकता है, उसके पावर्स को यूज़ कर सकता है, उनकी भावनाओं को पढ़ सकता है, वो क्या देख रहे हैं वो देख सकता है, वो क्या सुन रहे हैं वो सुन सकता है। और फिर उसने ऐसा ही किया, अपनी परछाई को और जीवों के साथ छोड़ दिया, और अब सारे क्रिएचर उसके काबू में थे बॉन्डिंग करके। एक वक्त था जब वो अकेला था, और अब उसके पास वो सभी का किंग था, और उन सभी को हाइप माइंड से कनेक्ट किया हुआ था। अब उसे हर जगह जाके गॉड्स को मारने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने जीवों को वहाँ भेजकर गॉड्स को मरवा देता था। और एक दिन उनमें से एक ड्रैगन सिम्बायोट अर्थ पे जाके तबाही मचाने लगता है। तब वहीं अचानक से एक गॉड आते हैं जो कि गॉड ऑफ थंडर थॉर थे। थॉर ने सिम्बायोट्स को हरा दिया और ज़ोरदार झटका दिया। ये झटका नल को भी महसूस हुआ। एक झटके से नल का कनेक्शन सारे सिम्बायोट से टूट गया, और उसने हाइप माइंड से कनेक्शन टूटने की वजह से पूरे
फैले सारे सिम्बॉयट्स ने वहाँ के लोगों से चिपक के उन्हें अपना होस्ट बनाया और उन सब से बॉन्ड बनाने की वजह से उनके अंदर की इंसानियत ह्यूमैनिटी ने सिम्बॉयट्स के ऊपर अपना असर करना शुरू किया और वो लोग समझ गए कि नल एक शैतान है और उन सभी ने मिल के उनके ही खिलाफ जंग छेड़ दी और नल को उसकी काली परछाई की ओर खींच लिया। उसे कैद करने के लिए सिम्बॉयट्स ने एक साथ जुड़ के एक गोल पिंजरा बना लिया और इसी पिंजरे को कहा जाता है क्लेंटार। ये कोई प्लैनेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्लेंटार कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक पिंजरा है जिसमें नल को कैद किया गया है। सारे सिम्बॉयट्स ने मिलकर उसे बॉन्ड बनाकर उसे कैद किया है। तो गाइस ये था नल के ऊपर ओरिजिन। अब बात करते हैं इसके अपीयरेंस और पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो इसका अपीयरेंस बात करें नल के कॉमिक्स के अपीयरेंस की, तो इसका छोटा सा अपीयरेंस कराया गया था 2013 थॉर गॉड ऑफ थंडर के कॉमिक्स के इशू नंबर 6 में और इसका फुल अपीयरेंस हमें 2018 के वेनम वॉल्यूम 4 के कॉमिक्स के इशू नंबर 3 में हुआ था। बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज़ की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, इमोर्टेलिटी, सिम्बॉयट्स क्रिएशन, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूटेंट मैटर जनरेशन, कॉन्स्टिट्यूटर मैटर मैनिपुलेशन, हीलिंग फैक्टर, लिमिटेड शेप शिफ्टिंग, स्किल्ड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। सो गाइस ये था नल के ओरिजिन। अगर आपको ये ओरिजिन अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ओरिजिन कैसी लगी, और अगर कोई ऊँच नीच है तो कमेंट जरूर लिख के बताइएगा ताकि इसको हम सुधार सकें। और वीडियो को प्यार देते रहिए, काफ़ी रीच डाउन हो गया वीडियो का। तो चलिए तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।